हेलो फ्रेंड्स, संगीता किचन में आपका स्वागत है। आज मैं लाए हूँ आपके लिए पास्ता रेसिपी, जो बनाना बहुत ही आसान है। आपका कभी कुछ हल्का फुल्का खाने का मन करे तो आप ऐसे करके पास्ता बना सकते हैं। पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास्ता बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पास्ता लिया है, प्याज लिए हैं, टमाटर लिए हैं, यहाँ मैंने पास्ता मसाला लिया है, 2 चम्मच टमाटो सॉस लिया है, यहाँ मैंने धनिया पत्ता लिया है, यहाँ मैंने मिर्ची को कट करके रख लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बनाना शुरू करते हैं। मैंने 2 चम्मच ऑयल लिया है, ऑयल गर्म हो गया है, अब मैं इसमें मिर्च डाल दूंगी। अब मैं इसमें प्याज डाल दूंगी, इसको अच्छे से थोड़ा सा भूनने दूंगी मैं। प्याज को मैंने हल्का सा भून लिया है, अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी। अब इसको मैं थोड़ा देर के लिए भून लूँगी। इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल दूंगी कि टमाटर और प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। मैं 1/2 छोटी चम्मच में हल्दी डाल दूंगी। इसको मैंने अच्छे से भून लिया है, अब मैं इसमें पास्ता डाल दूंगी। तो मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब इसमें मैं पास्ता मसाला डाल दूंगी। स्वाद अनुसार नमक डाल दें, नमक कम ही डाल लें क्योंकि मैंने टमाटर और प्याज में पहले से ही नमक दिया है। अब मैं इसको मिला दूंगी अच्छे से। मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है, अब मैं इसमें टमाटो सॉस डाल दूंगी। जो मैंने 2 चम्मच टमाटो सॉस लिया था मैं वो डाल दूंगी और उसके बाद अच्छे से मिला लूँगी। तो मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है, अब मैं इसमें धनिया पत्ता डाल दूंगी, अच्छे से मिला लूंगी। ये हमारा पास्ता हो गया तैयार, अब मैं इसको प्लेट में सर्व करूंगी। गरम गरम सर्व कर लें, गरम गरम खाने का ही मजा कुछ और है, आप ऐसे करके सर्व कर लें। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा पास्ता देखिए कितना स्वादिष्ट और मजेदार लग रहा है। छोटी भूख के लिए आप ऐसे करके बना सकते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आएगा।